जितना दर्द तकलीफ इन लोगों को मुझे देनी है ना पद्मा को, उतना पूरी कोशिश कर रहे हैं रमेश ठाकुर मुझे देने की। और आज जो आप लोग देख रहे हैं, जो सीक्वेंस चल रहा है, इसमें पहले तो बिल्कुल मना हो गया था कि शंभू की शादी में कोई भी बाहर से नाचने वाली हवेली में नहीं आएगी, बट फिर सारे गेस्ट नाराज़ हो जाते हैं एंड अम्मा जी डिसाइड करती हैं कि नहीं, हम अपने मेहमानों को कभी नाराज़ नहीं करते हैं और नाच गाना होगा हवेली में। और फिर सब लोग खड़े हैं और जब देखते हैं तो वहाँ पे जो डांस करने आई हैं वो महुआ ही हैं, तो मेरा तो मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यही एक सीक्वेंस चल रहा है अभी डांस का। सीक्वेंस ये है कि माहौल बना हुआ है, हमारे दोस्त यार आए हुए हैं और उनको चाहिए कि भाई साथ में कुछ मनोरंजन हो, तो हमने व्यवस्था की है नाच गाने की और महुआ को पूरा जिम्मेदारी सौंप दिए हैं। अब महुआ परफॉर्मेंस देंगी, फिर आपको मालूम चलेगा कि महुआ ने कैसी परफॉर्मेंस दी और क्या हुआ उसके बाद। जी बिल्कुल, आज का माहौल तो बहुत ही अलग है। ये बूंदी की बहन महुआ जब नाच रही है तो ऑफकोर्स उसका अनकम्फर्टेबल होगा ही, बट देन देखते हैं अभी आगे क्या होता है, क्योंकि रमेश जी क्या ऑर्डर्स पे वो कर रही है, ये सब देखते हैं। सिचुएशन ऐसी है कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, MLA और ये सब शादी के उसमें आए हैं और ये भी एक इस फैमिली में शगुन कह लीजिए या वो कह लीजिए कि इस तरह के डांस होते हैं छोटे शहरों में, कस्बों में ये बहुत होता है कि शादी से एक दिन पहले आदमियों का एक ऐसा फंक्शन होता है, दारू लड़की नचवाना, तो उसमें ये है। और वो कुछ मेरा जो पोता है वो करने नहीं दे रहा है और सब नाराज़ होकर जाने लगते हैं, तो अम्मा जी इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल वूमन और वो मौके का को अपने हाथ से गंवाती नहीं है, क्योंकि इलेक्शन करीब है, वो कहती कि तू गद्दी पर बैठे रहना है तो हर तरह के आदमियों से लोगों से मेल जोल बढ़ा के रखना है। तो अम्मा जी उनको कहती है, अरे अरे आप नाराज़ मत होइए, मतलब लड़की आएगी नाचने, तो वो फंक्शन चल रहा है। अब लड़की तो ये होता है डिसाइड के बुलाने जाएंगे, अब किसी नाचने वाली को तो बहुत समय लगेगा, तो रमेश इसका फ़ायदा उठाता है और वो कहता है कि अरे है ना हमारे पास, तो वो महुआ को यहाँ पेश कर देता है। बहुत प्यारे तरीके से डांस भी कर रही हूँ और पर्सनल लेवल बोल रही हूँ, और बाकी तो सीक्वेंस तो आप देख ही रहे हैं, स्टोरी तो अभी आगे बढ़ती जा रही है एंड बस ये प्रथा को ज़्यादा एक्सपोज किया जा रहा है जो चलती आ रही है। शादी के माहौल में भी नाचने वाली को बुलाया जाता है। एक तो शो बहुत ही ड्रामा है, इसके अंदर मेलो ड्रामा है पूरा, मज़ा आ रहा है शो करने में, परफॉर्मेंस इसके अंदर मज़ा आ रहा है, मतलब साथ के जो साथी जो हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसमें अनुराग शर्मा जो मेरे छोटे भाई रमेश का काम किया, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इवन अरिजीत वगैरह और पांडे और प्रतिमा काजमी, इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मेरे साथ में, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ काम करके। और आज का जो स्पेशल सीक्वेंस है वो और भी मेलोड्रामेटिक है, मतलब एक तो गाना है, गाने के अंदर ऑडियंस को मज़ा आता ही आता है, गाने का पीछे जो कहानी है वो बहुत ज़बरदस्त है कि अब ये मेरे बेटे की शादी होने वाली है इस लड़की जो डांस करेगी उसकी बहन से, और अब तक जितनी भी रस्में हुई हैं आप देखा होगा आपने, वो रस्मों के अंदर ये लड़की ने उन सभी रस्मों को ख़राब कर दिया है। और कल शादी है और आज फरमाइश आ गई काफ़ी सारे लोगों से कि हमें तो आपने इतनी बड़ी पार्टी दी है तो डांस भी देखना है। अब इस लड़की को नचाया जाता है, अब ये लड़की जो है बाद में कैसे एक्सेप्ट की जाएगी इस घर के अंदर, मतलब क्योंकि इसकी बहन की शादी यहाँ होने वाली है और ऐसी फैमिली से रिश्ता होने जा रहा है, वो किस तरह से अम्मा जी मैनिपुलेट करेंगी, किस तरह से मेरा रोल आगे इसके अंदर जुड़ेगा और कैसे किसी को चोट पहुँचेगी, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो सब बड़ी मसालेदार चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और आज की सीक्वेंस डांस वाली ज़रूर देखिएगा।